मैं हूं अभिषेक बारेड और आप हमेशा की तरह धमचक.com देख रहे हैं। इस वक्त राजस्थान के सबसे बेबाक नेता, जिनका पहले जब हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने एक छोटे चैनल को ये कहते हुए इंटरव्यू दिया था कि आप जो सवाल हमसे पूछना चाहें वो पूछिए, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। सुभाष मैरिया इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन हम आपसे तीखे सवाल पूछेंगे हमेशा की तरह। बाबा जी के बारे में अभी आपने कहा कि उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो सबके पास में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी आप पर, जब हम उनसे इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने भी आप पर एक इल्ज़ाम लगाया कि आप दल बदल कर उन सब परंपराओं से दूर चले गए जो बीजेपी की थी, जिसने आपको बनाया उस परंपरा से। देखिए मित्र, एक कार्यकर्ता जो है उसका काम है जनता के बीच में रहकर काम करना। कार्यकर्ता जब जनता के बीच में रहकर काम करता है और वो जहाँ काम करता है वहाँ उसको अगर ये लगता है कि नीतिगत रूप से मजदूर किसान के लिए या हमारे पूरे देश के काकस को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर अपन जो भी बात कर रहे हैं उस बात की अनदेखी की जा रही है, तो वो कार्यकर्ता तो अपने दिल से काम करेगा, जनता की जो आवाज़ आएगी उससे काम करेगा। इसलिए जनता की आवाज़ के आधार के ऊपर मैं बिल्कुल खुले तौर पर कह रहा हूँ कि जनता की आवाज़ जो आई, उस जनता की आवाज़ में आया कि आपको एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी, इन सब से जब चर्चा हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए, मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूँ, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन हमने एक सवाल बाबा जी से ये भी पूछा कि आप बाहरी हैं यहाँ से, और उन्होंने कहा कि हम 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, बाहरी होने का कोई मतलब नहीं है। आपने बाहरी लोगों को भेजा यहाँ से बाहर भी? देखिए मैं उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात करूँ वो ठीक नहीं, ये तो जिले की जनता जानती है कि कौन कहाँ से है। और अगर ज़्यादा आपको रिपोर्ट लेनी है तो बालंद गाँव में जाकर या फेफाणा गाँव में जाकर ले सकते हैं, वहाँ जाके मालूम कर लो कि भाई कौन व्यक्ति कहाँ से आया, फिर कहाँ रहा, फिर क्या क्या मामले वहाँ हुए, फिर कहाँ भाग, तो ये सब उनके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि 70 साल से तो राजनीतिक फील्ड में ही काम कर रहा है हमारा परिवार तो, और पुरखे जाट साहब हमारे पास ही अभी विराजमान है, हमारे जिला अध्यक्ष जी, इनके परदादा जी, मेरे परदादा जी भी साथ रहते थे और हम भी साथ रहे हैं। आपकी राजीव गांधी वाली जिप्सी वाली स्टोरी जो है हमने चलाई है, हमने बात की है, इसलिए ये कोई बात नहीं, बात है पहचान की। हमारे लोकसभा क्षेत्र की पहचान पार्लियामेंट में पूरे देश भर में एक नंबर की हुआ करती थी, चाहे कोई भी मेंबर चुनकर गया हो, किसी भी स्थिति में गया हो, लेकिन पहली मर्तबा 5 साल में सीकर लोकसभा क्षेत्र के 32-33 लाख जनसंख्या के भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं ने, 20 लाख से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर है, उनको ये एहसास हुआ, महसूस हुआ कि वहाँ जैसे कोई हमारा प्रतिनिधि है ही नहीं। और अगर ये बात सरेआम जो है आम आदमी से आप पूछ लीजिए, सोमे से अगर 10 आदमी भी ये कह दें कि हमको ये महसूस हुआ कि हमारी वहाँ रिप्रेजेंटेशन अच्छा हुआ, वहाँ हम प्रेजेंट थे, अगर वहाँ पर 10 आदमी आपको ये कह दें तो मैं सोमे से 10 को 100 मान लूंगा। आपके बाजी मारिया, विकास के बाजी मारिया, विकास के मुद्दे क्या होने वाले हैं, विकास के मुद्दे क्या होने वाले हैं? काम है आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, मजबूत आधारभूत ढांचा होगा तो ही, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड बात हो, मजबूत ढांचा चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ, हमारे हर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ये तभी संभव है जब सरकारों का पैसा हमारे इलाके में आए। सरकारों का पैसा लाने के लिए जनप्रतिनिधि उसको पूरी तैयारी करनी पड़ती है और जाकर उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ती है, और अगले के ऊपर ये दबाव होना चाहिए कि ये मेंबर है, MLA है, MP है, इसका काम नहीं करेंगे तो ये तेरी घंटी बजा देगा। इसलिए वहां से लाने के लिए पूरी ताकत चाहिए, वो ताकत जो है वो ये हमारे 30 लाख से ज्यादा की जनसंख्या के भरोसे में मेरे में। सुभाष मैरिया, पिछली जो सरकार जो भी है, जो सांसद रहे हैं, उनकी क्या विफलताएं देखते हैं जिनको देखिए 10 साल पहले तक मैंने जो काम किया, अगर मैं कुछ ही नहीं करता कि लोगों में दिल में जगह ही नहीं रहती, अब तो लुप्त हो जाता है, कोई था भी क्या। 10 साल से मैं मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं हूं, MLA भी नहीं हूं, पंच भी नहीं हूं, सरपंच भी नहीं हूं, किसी ओहदे पर नहीं हूं, एक ओहदे पर हूं, जनता के दिल में।